समझ में आ रहा है, देर इज नाउ अ वेरी ग्रोइंग कल्चर इन आर कंट्री कि मुस्लिम बॉयज आर ट्राइंग टू एंट्रैप हिंदू गर्ल्स, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं विदेशों से। अब उनको मोटरसाइकिल देंगे, बहुत अच्छे पैसे देंगे, 50,000 से 1,00,000 रुपए महीना, मेनी ऑफ देम इवन यू नो इस तरह से कि अगर फंस भी जाते हैं, लड़की भगाने में सफल हो गए, कहीं क्रिमिनल केस हो गए, कहीं कोई पुलिस आ गई, तो लीगल सपोर्ट भी उनको पीछे से देते हैं। तो इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं, तो इन अ वे दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय देयर सबकल्चर। सबकल्चर में उस चीज का की स्वीकार्यता बढ़ी है, और जहां आप औरत को सिवाय चैटी के कुछ समझे ना, अगर ऐसे सबकल्चर में आप विश्वास करते हैं, ऐसे सबकल्चर से आप आते हैं, तो किसी लड़की की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए, वो एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, एक आपने उसका उपभोग किया और मन किया तो पार डाला, क्योंकि आपको उस ये बात है। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था, उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया, एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था, और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। सो श्रद्धा वालकर, इससे मुलाकात मेरी हुई थी मेरे कॉलेज के दौरान, बैचलर्स इन मास मीडिया, वीवा कॉलेज जो कि विरार में ही है, तो यहीं हमारा रहना हुआ। वसई में रहती थी श्रद्धा वालकर और मैं रहता हूँ यहाँ विरार में। तो हम बैचलर्स इन मास मीडिया कर रहे थे, जर्नलिस्ट बनने की चाहत थी हम लोगों को, तो साथ में मिलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, थिएटर करते थे हम साथ में, एक्टिंग में हमने काफ़ी कुछ किया साथ में, कई स्तरों पे हम गए साथ में, जो कि थिएटर के ही रिलेटेड चीज़ें थी, और बहुत एक्टिव थी वो लड़की, बहुत ज़्यादा स्पार्क था उसकी पर्सनैलिटी में, और 2018 आते आते कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव दिखने लगा, और ये बदलाव एक्सपेक्टेड होता है कि अच्छा हो, लेकिन मुरझाने से लग गई थी वो, तो शायद ये वही समय था जब आफ्ताब की एंट्री हो चुकी थी उसके लाइफ में। खैर, हम लोगों को शुरुआत में उसके बारे में पता नहीं चला था, 2019 के आते आते हमें पता चला कि आफ्ताब के साथ में रिलेशनशिप में है। आफ्ताब शुरुआत में बिल्कुल ही साधारण सा एक इंसान लगा, लेकिन उसके बाद जब सुनने में आया कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में शिफ्ट हो रही है कहीं, ऐसा शुरुआत में सुनने में आया था, लेकिन बाद में पता चला था कि श्रद्धा वसई में ही शिफ्ट हुई थी उसके साथ, लेकिन उसके बाद में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो लोगों ने सोचा कि वो दिल्ली जाके शिफ्ट हो जाएं काम के सिलसिले में, ये हमको स्पेसिफिकली बताया गया था, और श्रद्धा वहाँ जाने के बाद ही से हम गुमशुदगी का हमें पता चला, और हम उसके साथ कॉन्टैक्ट में उसके बाद से नहीं रह पाए। वहाँ जाने के बाद ही से हम गुमशुदगी का हमें पता चला और हम उसके साथ कॉन्टैक्ट में उसके बाद से नहीं रह पाए, और कोशिश की हमने कि श्रद्धा वापस आए, सेफ एंड साउंड आए, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पता चला कि इतनी दरिंदगी से उसे उसका मर्डर किया गया है, इतने उसके टुकड़े किए गए हैं, उसको यू जंगल में फेंका गया है, सोचकर आत्मा कांप जाती है।